अगर आप लेखपाल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और आप लेखपाल भर्ती में एक सीट रिजर्व करना चाहते हैं अपने लिए, तो यहाँ पर बड़ी अपडेट आ गई है यूपी ट्रिपल एससी से। जी हाँ, पीईटी परीक्षा को लेकर यहाँ पर पाठ्यक्रम और परीक्षा की जो योजना है उसमें फिर से एक बार विभाग ने, आयोग ने बदलाव कर दिया है, जिसके साथ इसका प्रभाव लेखपाल भर्ती पर भी पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में आपको अपडेट देने वाले हैं कि बदलाव क्या हुआ है और आप लेखपाल भर्ती के लिए आपको क्या करना होगा। ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पीईटी के पाठ्यक्रम व परीक्षा योजना में बदलाव, जी हाँ, पीईटी के पाठ्यक्रम में यहाँ पर और परीक्षा योजना में दोनों को जो बदलाव करना था उसकी मंजूरी यहाँ पर प्राप्त हो गई है। यहाँ पर हम आपको वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप देखिए, योगी सरकार ने अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूपी ट्रिपल एससी के द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी के पाठ्यक्रम और परीक्षा योजना में बदलाव को मंजूरी दे दी है, जिसकी अधिसूचना शनिवार को जारी कर दी गई है। यहाँ पर कहा गया है कि आपको हर प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पीईटी अनिवार्य है, यानी कि अगर आप ये पीईटी परीक्षा नहीं देंगे तो आप लेखपाल के अलावा समूह गा की जितनी भी भर्तियां हैं आप उसमें कहीं भी आवेदन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीईटी परीक्षा के आधार पर ही आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और आगे की आने वाली भर्ती में आप आवेदन करेंगे। अब देखिए पाठ्यक्रम में बदलाव हुआ क्या है। यह जो परीक्षा है वस्तुनिष्ठ यहाँ पर प्रकृति की बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी। परीक्षा में कुल 100 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न एक अंक का, कुल अधिकतम प्राप्तांक आपको 100 अंक होंगे। यहाँ पर प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक आधार पर किया जाएगा, यानी कि एक वर्ष में केवल ये एक बार परीक्षा करवाई जाएगी। परीक्षा की जो अवधि है 120 मिनट यानी कि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 अंक आपके काट लिए जाएंगे। परीक्षा में भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, सामान्य विज्ञान, प्रारंभिक अंकगणित, सामान्य, उसके बाद हिंदी, सामान्य अंग्रेजी पर आधारित 45 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। इन शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी 12वीं और हाई स्कूल के आसपास का ही आपका सारा जो सिलेबस है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। परीक्षा में 5 प्रश्न तर्क एवं तर्क शक्ति पर आधारित होंगे। परीक्षा में सम इकी के व समान जागरूकता पर आधारित 10 प्रश्न होंगे। परीक्षा में 2 अपठित हिंदी गद्याशों के विवेचन पर, विश्लेषण पर आधारित यहाँ पर 10 प्रश्न होंगे। वहीं पर आपके परीक्षा में ग्राफ 2 की व्याख्या एवं विश्लेषण पर आधारित 10 प्रश्न होंगे। ये यहाँ पर 10-10 जो प्रश्न दिए हैं ये केवल रहेंगे 2-2 प्रश्न, 1 प्रश्न आपका 5 अंक का होगा, यानी कि आपको इसके लिए 10 अंक मिलेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा गलत प्रिंट है, ठीक है। परीक्षा में 2 तालिकाओं की व्याख्या के विश्लेषण पर आधारित यहाँ पर 2 प्रश्न होंगे, जिसके लिए आपको 10 अंक मिलेगा। 1 अंक प्रश्न का मैक्सिमम अंक यहाँ पर 5 होगा। तो ये कुछ सिलेबस में बदलाव करके, ये जो बदलाव सिलेबस है वो यहाँ पर जारी किया गया है। कुल मिलाकर लेखपाल भर्ती का विज्ञापन आपको जल्द देखने वाला है, क्योंकि पीईटी के जो संशोधित पाठ्यक्रम है उसको मंजूरी प्राप्त हो गई है और आप मार्च में ही इसके लिए आप आवेदन कर पाएंगे और इसकी अर्हता परीक्षा होने के तुरंत बाद सबसे पहला जो विज्ञापन होगा वो 8,000+ पदों पर लेखपाल भर्ती का ही होगा, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। और इसकी परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद आप तुरंत यहाँ पर लेखपाल पद में, यहाँ पर भर्ती में शामिल हो जाएंगे। तो ये छोटी सी अपडेट थी यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल पीईटी को लेकर। ऐसी अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।